करते हैं जीआईएस की। लखनऊ में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। समिट की तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, उस हॉल को भव्य तरीके से सजाया गया है। इस हॉल में करीब 10,000 लोग बैठेंगे। देखिए संवाददाता जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। कल सुबह 11 बजे आपको बता दें कि उद्घाटन होगा और हम वृंदावन सिटी में हैं और उसी मुख्य हॉल में हैं जहां पर ये उद्घाटन समारोह होगा। आप देख सकते हैं ये वही मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, सीएम योगी होंगे और नए भारत का ग्रोथ इंजन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंग्लिश में। आप देख सकते हैं न्यू इंडिया एंड ग्रोथ इंजन, यानी यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बनाने की कोशिश है इस इन्वेस्टर समिट के लिए। तैयारी आप देख सकते हैं, ये बकायदा गियर आपको नजर आएंगे मंच के आगे, ये गियर बकायदा आपको जगह जगह मंच आएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पूरे मंच को सजाया गया है, ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए। और यहां पर मंच में ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही संबोधन होगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है वो एक बार आपको बता दें, सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे, उसके बाद 11 बजे यहां उद्घाटन समारोह होगा, उसके बाद उनका संबोधन भी होगा और बताया जा रहा है जो निवेशक है उनके साथ फोटो सेशन भी होगा। अब आपको मंच की ये तस्वीरें दिखाई, अब पूरे हॉल की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये हॉल की तस्वीरें देखिए जहां पर तैयारियां चल रही हैं, फाइनल टच दिया जा रहा है। करीब 10,000 लोगों के बैठने का यहां पर इंतजाम है जो इन्वेस्टर समिट में आएंगे, जो देशी और विदेशी मेहमान है। देशी और विदेशी मेहमानों के लिए खास तैयारी की गई, आप देख सकते हैं आगे की रो जो गोल्डन रो रहेगी, ये गोल्डन रो बताया जा रहा है कि गोल्डन रो बनाई गई है, सिल्वर रो बनाई गई है। और यहां पर जो तमाम केंद्रीय मंत्री, यूपी सरकार के जो मंत्री होंगे और इसके अलावा जो विदेशी मेहमान है वो यहां तमाम वो लोग बैठेंगे। इसके पीछे जो बाकी जो जगह से जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनके बैठने का यहां पर इंतजाम किया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है इस हॉल में 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता और करीब 10,000 से भी ज्यादा लोग इस हॉल में बैठेंगे। ये तस्वीरें देख सकते हैं, फाइनल टच दिया जा रहा है, बकायदा एक जोन बांटा गया है इस हॉल के अंदर बैठने के लिए भी, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। तो आपको बता दें सरकार का कहना है कि करीब 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आ सकता है इस इन्वेस्टर समिट के जरिए, और जिससे 2 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां आएंगी, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अब देखना होगा कि धरातल पर जब ये उतर जाएगा उसके बाद क्या तस्वीर रहती है, लेकिन योगी सरकार इसको लेकर उत्साहित है और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन किस तरह का उत्साह है इस समिट को लेकर, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है कि 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आएगा और 2 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां मिलेंगी, लेकिन किस तरह का उत्साह है ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई रहे हैं लगातार। लेकिन हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे पूछ लेते हैं उनमें किस तरह का युवा है। और साथ ही साथ देखिये हमारे साथ रूपा जी भी रहेंगे, उनसे हम सुनेंगे कविताओं के जरिए कि किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। जी रूपा जी मैं आऊंगा, पहले युवा से पूछ लेते हैं आप कहाँ से आए। ओके, मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, मैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस से यहाँ हूँ और मैं एज अ वॉलंटियर अपने कॉलेज से यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंड वी आर जस्ट वेरी हैप्पी एंड दिस इज लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और एक अलग एक्साइटमेंट है। तो कैसा लग रहा है उत्साह आप यहाँ? सर काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जैसा कि हमको पता है टॉप 20 कंट्री के यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस हम लोग को यहाँ सीखने को मिलेगा। हम लोग कॉलेज में यही बताया गया कि वहाँ के जाकर कुछ एक्सप्लोर करिए, ज्यादा ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस हम लोग को मिलेगा, तो काफी उत्साहित हम लोग हैं इसके बारे में। यहाँ तमाम मेहमान आएंगे, विदेशी मेहमान आएंगे, बहुत सारी देश की कंपनियां आ रही है, उनके बीच आप लोग आ रहे हैं, एक ऐतिहासिक पल बताया जा रहा है इसको, आप कैसे देखते हैं आप लोग? सर हम अभी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और हम इन्हेंस करेंगे खुद को और एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा गेन करेंगे काफी। बाकी हम लोग बहुत अच्छे से अपना इन्वॉल्वमेंट देने वाले हैं और एक्सपीरियंस लेने वाले। कॉलेज के स्टूडेंट है, वॉलंटियर भी है, लेकिन काफी उत्साह है इसको लेकर, क्योंकि इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी सरकार ने पूरी ताकत झोंकी है। रूपा जी भी मेरे साथ है, रूपा जी कविताओं के जरिए आप अपना उत्साह बयां कर दीजिए। जी देखिये लखनऊ की बेटी हूँ, उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, हर बेटी को अपने आंगन को सुख समृद्धि देखना अच्छा लगता है। तो आज मेहमान जो हमारे आने वाले हमारे घर पर, तो मैं उनको न्योता देना चाहती हूँ। हाँ, बहुत शानदार, ये अच्छा रहेगा। न्योत और अवधि में, क्योंकि अवधि हमारी भाषा है। न्योता है तुमका मोरे भैया, लगाओ यूपी मारो पैया। न्योता है तुमका मोरे भैया,
लगाओ यूपी मारू पैया, जीआईएस मा आओ मोरे भैया, लगाओ यूपी मारू पैया।